Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. मैं हूँ मारी उमर और मैं मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त साई लुक शेयर करने वाली हूँ. ये रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप है और आप इसको बारात पर भी कर सकते हो ब्राइडल के, लेकिन ज़्यादातर सिल्वर जो मेकअप लुक होता है ना वो रिसेप्शन पर ही होता है. तो ये रिकमेंडेड है रिसेप्शन के लिए. तो जैसा कि मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रांजिशन शेयर से, अपने आईब्रोज़ को मैं मिसरोज़ के पोमेड से फिल कर चुकी हूँ, और अपने आईज़ पे कंसीलर भी मैं मिसरोज़ का ही लगा चुकी हूँ, और इसमें मेरा शेड है फेयर. तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रांजिशन शेड से. छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके, तो उससे फ्लफी ब्रश लेके उसके साथ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ. आउटर वी पे ज़्यादा फोकस है और इनर वी पे इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने डेप्थ देनी है आउटर वी को ज़्यादा. और जनाब बच्चों ने भी अभी खेलना था, इन्होंने मेरी वॉइस ओवर करना मुश्किल किया हुआ. तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंटोरिंग पैलेट क्रिस्टाइन का, और इसमें से डार्क ब्राउन शेड लेके मैं अपने आउटर वी पे डेप्थ दे रही हूँ. कटक्रीज़ के बाद मैंने अपने आउटर वी पे ब्लू शेड की ब्लेंडिंग की, और अब मैं अपने आईलेट पे सिल्वर शेड लगा रही हूँ. मैंने बीक्यूट का पैलेट यूज़ किया आज के मेकअप लुक में. Oh,
वाइट पेंसिल जिसके पास नहीं वो कंसीलर या फिर जो कीवी पेंसिल है वो भी लगा सकता है अपने वाटर लाइन में, उससे कोई मतलब नुकसान नहीं पहुँचता आँखों को। और यहाँ पे लाइट चली गई थी तो आप देख सकते हैं कि डे लाइट में कैसा लग रहा है मेकअप। यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का हाइलाइटर यूज़ करी अपने जो ब्रोकन होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। तो जनाब ये जो पीछे शोर है, ये हवा चल रही है बहुत ही मज़े की, मैं छत पर आई हुई हूँ, तो इसी के साथ ही आप मेरे वॉइस ओवर को इन्जॉय करें क्योंकि हवा तो कहीं नहीं जा सकती ना। दिस इज़ फाइनल मेकअप लुक, और अगर आपको पसंद आया तो वही मेरा डायलॉग है कि लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और आगे शेयर करें क्योंकि इससे आपको कुछ बिगड़ना नहीं और मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।